काफी प्यारा और काफी यूनिक स्टेम मेरे को ये वाले रिसोर्ट में मिला है। ये है बेड रॉक, मतलब पूरा रॉक वाला फीलिंग भाई साहब आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी शेर की गुफा में हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंदर। इस तरीके का स्टे सच में मैंने कहीं पे भी देखा नहीं है बॉस, गुफा स्टे। का जो पैकेज है जो स्टार्ट होता है वो है 1100 पर पर्सन ओनली विद फूड। एक बहुत बड़ा एक कांड हो गया, अभी थोड़ा अपना ड्रोन क्रैश हो गया, मतलब ये देखो। सो गाइस अभी फाइनली हो चुके हैं 8:30, हमेशा की तरह आज भी एक नया फार्म हाउस होने वाला है। तो कैसा क्या पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सबका प्यार नरा मिथ मुंबई कर। जो रिसोर्ट में आज हम लोग जाने वाले हैं वो काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाला रिसोर्ट है भाई साहब, जो है मुंबई के बहुत ही ज़्यादा पास में, वो है बदलापुर साइड में, जिसका नाम है पाम पैराडाइज। अभी फटाफट हम लोग निकलेंगे, क्योंकि क्या ना हमेशा लेट हो जाता है यार, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना रह जाता है, बट इस बार ही हम लोग लेट नहीं करेंगे, आज बराबर टाइम पे निकलेंगे, सो दैट हम लोग 12 बजे तक कुछ भी करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो भाई अपना बैग वगैरह सब चीज़ें रेडी हो गए, यहाँ पे है ड्रोन, ये है मेरा कपड़े वाला बैग, और पे अपना गिटार। मतलब बहुत टाइम से है ना कोई फार्म हाउस में गए हैं और गिटार विटार नहीं लेके गए थे, बट आज फाइनली मतलब अचानक दिमाग में आया कि यार गिटार क्यों ना लेके चलूं, क्योंकि अलग ही माहौल बन जाता है, अलग ही सेशन बन जाता है। और जो आज दोस्तों के साथ में जाने वाले ना, वो अपने एकदम जिगरी दोस्त है, जो अपने बचपन के दोस्त, जिगरी यार, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में ये वाला फार्म हाउस वाला ट्रिप होने वाला है आज। फाइनली जाके अपने गाड़ी में बैठ गया, अभी अपनी पब्लिक को एक एक कर करके मतलब पिकअप करने का अभी काम चालू हो गया। अभी अपने नए ड्राइवर आ गए यहाँ पे और बाकी सब लोग अभी रेडी हो गए, तो अभी फटाफट अभी पेट पूजा भी हो गया, पेट भर के खाया हम लोग। तो मैं खाना नहीं खाया। तू तिकड़े बिल दिया भाई दुकान और भाई मिस आ गया, बिल नहीं भरा हमने, बच्चे लोगों को बोला डबल मारना। क्या पाजे वाला नीरा पाजे यार, नीरा भी पार्किंग उठा पार्किंग। तो भाई फाइनली अपने रिसोर्ट में पहुंच गए यहाँ पे, है ना। एक्चुअली है ना, दो दिन से कुछ तो शादी वाला फंक्शन था यहाँ पे, नेक्स्ट वीक भी कुछ तो वेडिंग वाला ही ये सीन, ये वीक भी कुछ तो बीच में था, और कल ही कुछ तो वेडिंग ख़त्म हो गया, और इसके लिए ही इतना सारा डेकोरेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर वेडिंग के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो आई थिंक ये यहाँ पे सब चीज़ें हो सकती है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग ने हमारा बैग वगैरह सब चीज़ें अभी तक गाड़ी में ही है। सबसे पहला तो रिसोर्ट देख लेते हैं और हम लोग का स्टे देख लेते हैं किस तरीके का है, कहाँ पे एग्जैक्टली, फिर थोड़ा सेट हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद में। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई थिंक ये कुछ एक फर्स्ट ऐसा रिसोर्ट रहेगा इतना बड़ा, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आज मेरे को एक्सप्लोर करनी है, आप सबको दिखानी है। मतलब सोचो वैसे यहाँ पे अभी अपन को यहाँ पे दो रूम्स है, मतलब एक रूम अपने को मिलेगा जो है बड़ा डॉर्मेट्री, आई थिंक कुछ कृष्णा कमल या फिर गुलमोहर, नाम भी बहुत प्यार है, मतलब नाम काफ़ी बढ़िया रखे यहाँ पे। और बाकी बहुत सारे मतलब जो भी स्टे वगैरह है यहाँ पे, कपल स्टे भी अलग से है। और वैसे देखा जाए तो टोटल कैपेसिटी ये पूरे फार्म हाउस का, ये पूरे रिसोर्ट का जो है 90% ऑन बेड, मतलब 90 लोग ऑन बेड कैपेसिटी है यहाँ का। अगर एक्स्ट्रा मैट्रिस के साथ में पकड़ोगे तो 130 आराम से एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पे। जो अभी फिलहाल अपन को जो रूम मिला है वो ये है, ऑन बेड कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6, 6 जन ऑन बेड रहेगा, हम लोग कुछ 7 जन हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ में आराम से रह सकते हैं भाई। और यहाँ पे ये वार्डरोब वगैरह दिया है, टॉवल्स वगैरह है, सोप वगैरह दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओहो हो, ये एक पर्सनल एक फ्रिज भी दिया है यहाँ पे, मतलब आपका कुछ भी अगर सामान वगैरह रहेगा तो आप मतलब आपको दूसरी जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सामान आपके खुद के फ्रिज में रख सकते हो यहाँ पे। ओह ये है वॉशरूम, ये सनी एंड क्लीन, ये क्या है यहाँ पे, क्या अच्छा दो दो वॉशरूम दिए यार, ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई। तो अभी ऊपर देख रहे, ऊपर है हमारा स्टे जहाँ पे गुलमोहर कुछ नाम है, नीचे कुछ कृष्णा कमल करके है, वहाँ का भी स्टे देख लेते हैं। यहाँ पे भी है ना बड़ा कैपेसिटी है, अगर आपका बड़ा ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैपेसिटी है, ऑन बेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 या फिर पकड़ लो 10 जन तो आराम से ऑन बेड आराम से रह सकते हैं यहाँ पे। अगर एक्स्ट्रा मैट्रेस भी अगर रहेगा फिर भी जाके आपका बड़ा वाला ग्रुप यहाँ पे रह सकता है। टॉवल्स वगैरह भी है, ये सब चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हाइजीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया है यहाँ पे ये वाले रिसोर्ट में। तो आई थिंक कुछ रिसोर्ट के ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक बड़ा वाला एक लॉन दिया है जहाँ पे आपका सेलिब्रेशन, अगर आपका शादी वेडिंग वगैरह जो भी अगर आपका फंक्शन वगैरह रहेगा बहुत बड़ा तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती है। देखो कितना बड़ा स्टेज है यार, कितना बड़ा, वाह। मतलब रात को आई थिंक कुछ लाइट्स वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है यहाँ पे। और वो साइड में पूल वाला सेक्शन दिया है खेलने कूदने के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे। एक बड़ा वाला पूल दिया है और एक स्लाइड्स वगैरह भी है यहाँ पे ये वाले रिसोर्ट में। वहाँ पे भी एक छोटा सा एक पूल वगैरह है। कुछ 1:30 को हम लोग का लंच वगैरह कुछ स्टार्ट होगा। 1:30 को लंच में भी देख लेंगे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। ये साइड में लगा है वेज काउंटर, वो साइड में नॉन वेज काउंटर। नॉन वेज में एग्जैक्टली क्या क्या है सबसे पहले अपन चलते हैं नॉन वेज की तरफ। क्या रहे नॉन वेज में, क्या क्या रहे? चिकन सुखा, चिकन रस्सा, जीरा राइस, ठीक है, अच्छा सुखा मच्छी, पापड़ आणि गुलाब जामुन। वाह वाह, अनलिमिटेड खाना भाई। तू आज वेज क्या रहे? अपना चिकन वाला थाली हो गया यहाँ पे रेडी। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे थाली सजाया है, बाकी सब ने चिकन ही लिया है। एक ही अपना वेज वाला बंदा इधर कसा रे बेस्ट का, ठीक है, तू कौन वेज घेतला रे यार? कोई नॉन वेज बाहर वेज है। तो भी भाई पेट भर के अपना लंच वगैरह हो गया। प्रशांत लंच कैसा होता? एकदम जबरदस्त, एकदम भारी लंच, एकदम वेज नॉन वेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था भाई साहब। और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें और अनलिमिटेड था, आपको जितना भरपेट चाहिए आप उतना खा सकते हो। अभी फटाफट आपको रूम वगैरह बता दे, बट उसके पहले ना यहाँ पे एक टेम्पल है, काफ़ी प्यारा टेम्पल है भाई साहब। मतलब सोचो कोई ऐसे रिसोर्ट में आया है और वहाँ पे आपको टेम्पल भी मिल रहा है, इससे ही पता चलता है कि कितना बड़ा ये रिसोर्ट रहेगा। अभी हम लोग है कोई और साइड में, मतलब पुल साइड वो साइड में, और हम लोग को जो स्टे दिया है वो साइड में। अभी मेरे यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो ये है कुछ 12 पीपल कैपेसिटी वाला ये वाला बड़ा वाला डॉर्मेट्री है। उसके ही बाजू में आपको मतलब कपल के लिए भी, आप अगर आपको यहाँ पे आना है तो कपल के लिए भी यहाँ पे एक स्टे है। और अगर आपका ग्रुप पकड़ लो ना 3 जन का 4 जन का भी है फिर भी यहाँ पे अलग से स्टे अवेलेबल है ये साइड में। और देखो मतलब हरियाली देखो भाई साहब, मतलब ये सब हरियाली है यहाँ पे, ये सब भी है सोचो। और अगर आप यहाँ से चलते चलते जाएंगे, अगर आप पूरे दिन भर आते हो ना आप घूम फिर के थक जाओगे, इतना बड़ा ये रिसोर्ट है भाई। अभी हम लोग जिस जगह पे है ये है रिसोर्ट का सबसे प्यारा सेक्शन, यहाँ पे है कपल रूम्स। सबसे पहला आता है बेडरॉक जो काफी यूनिक है भाई साहब। अभी चलो आपको दिखा देता हूँ, पूरा एकदम रॉक वाला फीलिंग देने वाला ये वाला कपल वाला स्टे है जो मैंने आज तक कहीं ऐसा स्टे देखा नहीं था भाई। यहाँ से अपन चलेंगे अंदर, काफी प्यारा और काफी यूनिक स्टे मेरे को ये वाले रिसोर्ट में मिला है। ये है बेड रॉक, मतलब पूरा रॉक वाला फीलिंग भाई साहब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी यहाँ से निकल के हम लोग चलेंगे दूसरा वाला कपल स्टे देखने। ये देखो यहाँ पे गुफा वाला स्टे है। और यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे ऊपर तो अभी ये वाला जो स्टे है ये है ऑर्चिड स्टे, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई। देखो मतलब अंदर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, ये यहाँ पे बैठने के लिए अलग से, मतलब जो इंटीरियर बनाया ना भाई साहब वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी सबसे। यहाँ पे देखो ना बेड वगैरह काफ़ी अच्छा है। यहाँ से निकलते ही ओहो मतलब देखो आपको आपका पर्सनल बालकनी मिलेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठ के, अगर आप कपल है तो यहाँ पे बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो भाई, आपको आजू बाजू पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। अभी नेक्स्ट स्टे हम लोग देख रहे हैं वो है तुलिप स्टे। अपना गुफा है वो थोड़ा क्लीन हो रहा है, गुफा क्लीन होने के बाद में आपको गुफा के अंदर लेके चलूँगा, उसके पहले तुलिप स्टे।
ये काइंड ऑफ एक नॉर्मल से आप बोल सकते हो, मतलब जो मैंने पूरा ये सेक्शन है ना, ये जो पूरा सेक्शन है पूरे रिसोर्ट का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपल रूम्स है। ये देखिए, ये दो जन यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ से निकल के और एक नया बालकनी, यहाँ पे बालकनी काफ़ी प्यारा है, क्योंकि हर एक बालकनी से बाहर निकलने के बाद में आपको इतना अच्छा सराउंडिंग आपको मिल रहा है, जहाँ पे बस ट्री ही ट्री आपको दिखेंगे। भाई फाइनली वो टाइम आ गया अपना एक और एक फेवरेट स्टे देखने का, जो है गुफा स्टे। मतलब एक गुफा वाली फीलिंग कि भाई अभी शेर की गुफा में हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंदर। हाँ 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 हाँ, ये देखिए, ओह मतलब अंदर आने के बाद में वाओ, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी यूनिक। इस तरीके का स्टे सच में मैंने कहीं पे भी देखा नहीं है बॉस, गुफा स्टे। ये देखिए, यहाँ से आपको पर्सनल आपका बालकनी मिलेगा। बालकनी किससे निकल के फिर से वही है भाई साहब, मतलब नेचर सराउंडेड कम्प्लीटली। छोटा सा प्यारा सा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है यहाँ पे। हाय हाय हाय, बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है कि इतने बड़े रिसोर्ट में कहीं पे बाथ टब वाला कोई रूम मिलना पॉसिबल है या नहीं। यस भाई साहब, यहाँ पे वो अवेलेबल है। यह है लिली स्टे। यहाँ से एंट्री करते ही आपको यहाँ पे किंग साइज बेड मिलेगा, वाओ। और नीट एंड क्लीन रखा हुआ है हर एक चीज यहाँ पे, विथ एसी। प्लस यहाँ पे जो मेन चीज है वो है बाथ टब। भाई इतना बड़ा बाथ टब दिया है, वाओ। और नीट एंड क्लीन वॉशरूम रखा हुआ है, मतलब ये पूरे रिसोर्ट में एक स्टे तो ऐसा है जहाँ पे आपको बाथ टब मिलेगा। तो भाई सच में बता रहा हूँ, घूम फिर के ना थक गया अभी ये रिसोर्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार। अभी ये इतने से छोटे से व्लॉग में आपको क्या क्या नहीं बताओ यार। तो अभी बाकी पब्लिक अपने दोस्त खेल रहे हैं कुछ, यहाँ पे आउटडोर गेम्स प्लस इंडोर गेम्स भी अवेलेबल है भाई। आउटडोर गेम्स में यहाँ पे टर्फ दिया हुआ है। यस, बहुत सारे ऑफिस वाले ग्रुप को वैसा रहता है कि यार टर्फ वगैरह किधर अवेलेबल है, वो वाला रिसोर्ट बताओ। तो यस, ये वाला वो रिसोर्ट है जहाँ पे आपको आपका टर्फ मिलेगा, जहाँ पे आप अपना क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो इस तरीके से। ये देखो पूरा पैक्ड है ऊपर से, वाह, मतलब कुछ इशू नहीं है। बॉल वगैरह किधर जाने के चांसेस वगैरह है ही नहीं, आप यहाँ पे आराम से टर्फ में इंजॉय कर सकते हो, सोचो। भाई इंडोर गेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स वगैरह थे अंदर, बाकी जो पब्लिक आई है वो लोग खेल रहे थे। मुझे एक छोटा सा ही पूल टेबल है, और बाकी कैरम बोर्ड थे दो, डार्ट है, चेस बोर्ड है, और बहुत सारी बाकी भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। अभी हम लोग को जो मेन काम है वो है भाई स्विमिंग पूल, क्योंकि पता नहीं मतलब शाम को बहुत लोगों का बुकिंग वगैरह है। केवड़ा है रे, डीप डीप केवड़ा है। अच्छा, यहाँ तक डीप है, मतलब वहाँ से पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर पे ये वाला पूरा पूल का एरिया है। एक बहुत बड़ा एक कांड हो गया अभी, थोड़ा अपना ड्रोन क्रैश हो गया। मतलब ये देखो अभी क्या ही कर सकते हैं भाई। और एक बड़ा पनौती लग गया। फक, रात में जो ड्रोन के शॉट निकालने थे वो तो पॉसिबल नहीं है। एनीवेज अभी खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। वहाँ पे वो देखो, वो जो है ट्री वहाँ पे, ये साइड से मैं ऐसा एंगल ले रहा था और वहाँ पे जाके टच हो गया और क्रैश हो गया। एक्चुअली ड्रोन में सेंसर वगैरह है, बट सीन ऐसा है कि वो साइड सेंसर है ना, इतना जल्दी काम नहीं करता, और उसी चक्कर में वहाँ पे टच होके क्रैश हो गया अपना ड्रोन। एनीवेज अभी जिस काम के लिए आए हैं यहाँ पे वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बाकी चीज़ें भी बता दी है आपको सब, अभी थोड़ा पानी के अंदर उतरते हैं। पता है मैं ये लास्ट शॉट लेने जा रहा था और वही टाइम पे ये वाला कांड हो गया। मतलब इसके पहले मैंने लास्ट शॉट लेके सब चीज़ें मैंने रख दिया था, बट फिर अचानक से याद आया एक वो एक शॉट रह गया था, वो निकालने के चक्कर में ये कांड हो गया भाई। मतलब देखो इसका पूरा विंग्स वगैरह टूट गया है। ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव बहुत रहती है, मतलब 3-4 महीने पहले मैंने ये सब चीज़ें ली है और अभी जाके एक बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है।
बट क्या ही कर सकते, अभी ये सब तो बेयर करना ही पड़ेगा। कहीं पे भी जाता हूँ मतलब एक्सप्लोर करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट उसके बैकग्राउंड में कितना कुछ एक्सपेंस होता है ना भाई, वो शायद वो यूट्यूबर को ही पता रहेगा। बट ठीक है, अभी ये भी खर्चा उठाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे है पाव भाजी, वाह रे वाह, पाव भाजी, चाय कॉफ़ी, भाई रात्रि जेवन पर आया ज़रा जास्ता ना गया, मतलब क्या ना बहुत जगह पे गया, बट इवनिंग स्नैक्स में ना मैंने सिर्फ और सिर्फ चाय कॉफ़ी और कुछ भजिया वगैरह ही खाया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इवनिंग स्नैक्स में अपने को मिल रहा है पाव भाजी, चाय भी, मतलब बजट भी सेम ही है, मतलब जो बाकी जगह पे बजट रहता है यहाँ पे भी सेम बजट है, और सोचो ये सब चीज़ें भी है। वैसे इवनिंग के अभी 6:30 कुछ हो रहा है, यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे लाइट्स भी लग चुके हैं, काफ़ी प्यारे लाइट्स है भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे साईं बाबा जी का मंदिर है यार, मतलब टेम्पल देखो कितना प्यारा बनाया ये लोग ने साईं बाबा का, वाह रे वाह। और जस्ट उसके बाजू में यहाँ पे ये सब लोग अभी यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, सब लोग खेल रहे हैं यहाँ पे कैरम बोर्ड, चेस। रात में लाइट्स वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी प्यारी है। ड्रोन नहीं है अभी, नहीं तो फिर अच्छे शॉट्स आते थे ये टाइम पे। ट्री हाउस है जहाँ पे कपल कॉटेज वगैरह है, कपल स्टे वगैरह है, वो देखो कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से मतलब ये देखो पीपी विलास। कब से हम लोग है ना पूरा एकदम मज़े कर रहे हैं वहाँ पे, गिटार वगैरह सेशन वगैरह हो गया अभी है ना। और एक चीज़ एक्चुअली है ना बताने की रहेगी, जो है ये पूरे बंगलो वाला स्टे, बंगलो मतलब ये बहुत बड़ा एक बंगला ही बोल सकते हो, मतलब विला ही बोल सकते हो, उसका एक स्टे बताने का रहेगा। तो अभी जो बड़े स्टे की मैं बात कर रहा था वो है ये, मतलब अंदर ऊपर आते हैं ना ये वाला सीन, यहाँ से आपको मिलेगा, मतलब अगर आप सामने देख रहे हो ना वो बहुत बड़ा लॉन है, शादी वाला फंक्शन है तो वो लॉन में रहेगा पूरा। और ये वाला है ना बहुत बड़ा स्टे है, अगर अंदर हम लोग चलेंगे यहाँ से तो भाई इतना बड़ा आपको एक हॉल जैसा एक सीन मिलेगा इसमें आपको, सेम चीज़ फ्रिज वगैरह है, वहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे भी एक बेडरूम है। ओके, मतलब यहाँ पे 5 जन का ऑन बेड कैपेसिटी है, प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एक वॉशरूम दिया इनको, और यहाँ से अगर निकल के ये साइड में अगर चलोगे ना तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अवेलेबल है, सेम चीज़ मतलब 5 जन का ऑन बेड कैपेसिटी प्लस एक वॉशरूम, मतलब टोटल कैपेसिटी ये पूरे हाउस का है कुछ 10 जन का, प्लस एक्स्ट्रा अगर लोग रहेंगे तो आराम से आप यहाँ पे मैट्रेस वगैरह बिछा के आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एसी भी है, यहाँ पे भी एसी है और बेडरूम में भी एसी है। क्या ना मतलब अभी आए हैं रिसॉर्ट में तो फिर टाइम टू टाइम खाना होना चाहिए, अगर प्राइवेट कुछ रहता ना तो अपने हिसाब से कोई भी टाइम पर खाना वगैरह मिल जाता है, बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर टाइम टू टाइम सब चीज़ें रहती है। अच्छा, तंदूर रोटी, चिकन फ्राइड राइस है, चिकन महाराजा, वाह वाह, मतलब अभी चिकन में ये सब चीज़ें हैं, वेज वाला सेक्शन वो सही है, वेज में ये सब चीज़ें है, यहाँ पे रोटी है, रायता है, ठीक है, मिक्स वेज, भिंडी, पुलाव, राइस। खाना होने के बाद में क्या आपने बस आइसक्रीम तो भाई आई नो आप सबको जानना है कि यहाँ के पैकेज के बारे में, यहाँ के पैकेज काफी ज्यादा रीजनेबल है, यहाँ का जो पैकेज है जो स्टार्ट होता है वो है 1100 पर पर्सन ओनली विथ फूड। यस, ये डे वाला पैकेज है और इसमें आपको मॉर्निंग में अगर आप 10 बजे चेक इन करते हो तो इवनिंग के 5 बजे आपका चेकआउट रहेगा। और एक चीज़ बताओ ना भाई साहब, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग का हाई टी, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहेगी। आपने देखा ये ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, लंच भी काफ़ी अच्छा था, और इवनिंग हाई टी में आपको पाव भाजी तक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें ना आपको रूम्स वगैरह एलोकेट नहीं होंगे, अगर आपको चेंजिंग वगैरह करना है तो आपको पूल साइड में एक रूम वगैरह दिया जाएगा, आप वहाँ पे चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। और
कपल पैकेज के बारे में बताऊं जो स्टार्ट होता है 4200 से लेके 5400 तक यहाँ पे, ये भी है डे वाला पैकेज। इसमें भी सेम चीज इंक्लूड रहेगी, ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके इवनिंग के हाई टी तक हर एक चीज आपको इंक्लूड रहेगी। बट इसमें आपको जो स्टे मिल रहा है ना कपल वाला स्टे, भाई साहब मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको कपल में आना है तो यहाँ पे जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिक स्टे है ना वो मैंने कहीं पे भी आज तक देखा नहीं है, ना ही मेरे कहीं पे भी चैनल पे है। और अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो 2000 से लेके 2200 तक का यहाँ का पैकेज है, मतलब वीकडेज में अगर आपको आना है तो 2000 रुपीज फॉर पर पर्सन। इसमें लंच रहेगा, डिनर रहेगा, इवनिंग हाई टी रहेगा और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट रहेगा, हर एक चीज इंक्लूड रहेगी। ये है 2000 रुपीज पर पर्सन ऑन वीकडेज। और सेम चीज अगर मैं वीकेंड की बात करूं वो है 2200 रुपीज पर पर्सन। आप दो टाइम पे आपका चेक इन वाला टाइमिंग है, मॉर्निंग के अगर आपको 11 बजे चेक इन करना है तो आपका नेक्स्ट डे 10 बजे आपका चेकआउट रहेगा, या फिर आपको इवनिंग के 5 बजे चेक इन करना है तो आपको नेक्स्ट डे 4 बजे आपका चेकआउट रहेगा। तो वैसे और भी बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है जो मैं ये वीडियो में हर एक चीज तो नहीं बता सकता ना, हर एक पैकेज तो नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना है, वो लोग आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपको हर एक पैकेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। मैंने जैसे यहाँ पे एंट्री किया था ना, मैंने ये सब माहौल देख के पता लग ही गया था मेरे को कि यहाँ पे वेडिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप वेडिंग के लिए अगर आप सोच रहे हो ना तो काफी रीजनेबल रेट्स में आपका यहाँ पे वेडिंग भी हो सकता है भाई साहब। भाई अभी आधा घंटा हम लोग को रुकना पड़ा क्योंकि नाश्ता कुछ 9:30 को स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो अभी आधा घंटा क्योंकि 9 बजे हम लोग निकलने वाले थे बट हाफ एन आवर ही वेट करना था इसके लिए हम लोग रुक गए। तो अभी भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, यहाँ पे है मिसल, मिसल पाव और इडली सांभर एक नंबर। तू क्या कहते हैं, इडली कहते हैं? हाँ भाई। तू मिसल कहते हैं बराबर भाई? सुपर यार, इडली चटनी एक नंबर, मिसल तो लाजवाब है, लाजवाब। मला एक सांग ना, तुझ्या रेस्टॉरंट मध्ये मिसल चांगली भेटते की इथे चांगली? कन्फ्युजिंग क्वेश्चन। कंपेरेटिवली बघायला गेलं तर माझे मसाले वेगळे आहेत, हे मसाले वेगळे आहेत, पण दोन्ही मिसळ मला वाटतं सेम वाटतं। बोललास कधीतरी, कधीतरी बोललास, डिप्लोमॅटिक आन्सर हा खरं बोलला आहे। पहिल्यांदा नेहमी आर्ग्युमेंट असते, माझी मिसळ चांगली, माझी मिसळ चांगली, माझा वडा असा। भाई फाइनली निकलने का टाइम आ चुका है, मस्त ब्रेकफास्ट करके अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो एनीवेज गाइस, अभी तक का ये वाला व्लॉग अच्छा लगा भाई, बहुत मेहनत लिया है भाई, इसको लाइक करना तो बनता है, जरूर लाइक करना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और भी आपको कोई फार्म हाउसेस वगैरह देखने हैं या फिर कुछ भी इंक्वायरी वगैरह रहेगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं हर एक आंसर भी वगैरह दे देता हूँ। तो एनीवेज अभी तक का ये वाला व्लॉग अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल गाइस, इट्स स्मिथ मुंबईकर, एंड एज ऑलवेज से कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ। बाय 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 बाय।